हादसे की। हाथरस हादसे के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। यहां सत्संग के बाद भगी जो भगदड़ मची उसमें 121 लोगों की जान चली गई। जांच में ये बात सामने आई कि दिल्ली में मधुकर अपने एक रिश्तेदार के घर पर रुका हुआ है और फिर दिल्ली से इसकी गिरफ्तारी हुई है। फरारी के दौरान वो कुछ सेवादारों के संपर्क में भी रहा है। जिन लोगों ने फरारी के दौरान मधुकर की मदद की थी, पुलिस उनकी भी जांच कर रही है। मधुकर के ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था, जो पुलिस की गिरफ्त में है। तो आपको बता देते हैं, ये अहम गिरफ्तारी कही जाएगी, क्योंकि ये भोले बाबा उर्फ सूरजपाल का मुख्य अनुयायी है, जिसके कंट्रोल में ही जिस दिन सत्संग हुआ है हाथरस में सारी चीजें थी, और इसीलिए इस शख्स की गिरफ्तारी बहुत जरूरी थी। दिल्ली से इस शख्स की गिरफ्तारी हो चुकी है, लगातार इससे पूछताछ की गई है और अब न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में देव प्रकाश मधुकर को भेज दिया गया है। मुख्य आरोपी बनाया गया है देव प्रकाश मधुकर। अब उन लोगों की भी तलाश की जा रही है जिन लोगों ने देव प्रकाश मधुकर की मदद की है, इसके संपर्क में रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अभी कुछ और लोगों की गिरफ्तारी होना तय है। हाथरस हादसे को लेकर पुलिस ने आयोजकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस के मुताबिक आयोजकों ने नियमों का उल्लंघन किया है और बेकाबू भीड़ को संभालने की कोशिश नहीं की है। पुलिस को शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि देव प्रकाश मधुकर ही बाबा साकार हरि के कार्यक्रमों को आयोजित करवाता था। इन कार्यक्रमों के लिए फंड्स भी इकट्ठा किए जाते थे। एसपी ने यह भी कहा है कि मुख्य आरोपी मधुकर के पॉलिटिकल कनेक्शन भी हैं, जिनकी जांच की जा रही है। किस पार्टी ने कितना फंड दिया है, इसकी भी जांच होगी। पुलिस अब जांच में इनकम टैक्स विभाग की भी मदद ले रही है। इस घटना के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर की गिरफ्तारी हेतु तमाम प्रयास विफल होने के पश्चात अपर पुलिस महानिदेशक आगरा जोन आगरा द्वारा दिनांक 4/7/2024 को 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। उक्त अभियुक्त देव प्रकाश मधुकर को हाथरस की जनपदीय एसओजी द्वारा कल दिनांक 5/7/2024 को देर शाम नजफगढ़ दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है तथा थाना सिकंदराबाद पुलिस द्वारा आज दिनांक 6/7/2024 को अभियुक्त राम प्रकाश साखे को कैलाश कैलोरा चौराहा से तथा अभियुक्त संजू यादव को गोपालपुर कचौरी सिकंदराबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है। और आगे बढ़ते आपको बताएंगे भोले बाबा के रहस्य लोक पर भी अब धीरे धीरे सवाल उठ रहे हैं और पर्दा उठ रहा है। अब पड़ताल में ये बात सामने आ रही है कि नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के पंडाल में पहुंचने तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम होते थे। भोले बाबा की खुद की निजी सेना भी थी, जो बाबा की सुरक्षा के साथ कार्यक्रम की व्यवस्था भी देखती थी। सीमा पर सुरक्षा बल में तैनात सेवा की तरह से बाबा भी प्लाटून कमांडर की टुकड़ियां तैनात किया करता था। पंडाल में प्रवचन के दौरान जल सेवा की एक अलग टुकड़ी थी। न्यूज 18 की पड़ताल में चौंकाने वाली चीजें सामने आई हैं। ऐसे दस्तावेज दिखाएंगे जो कि बाबा से जुड़े हुए हैं। जब भी बाबा अपने प्रवचन के लिए सत्संग स्थल पर जाते थे, तब उनके आगे पीछे कुछ टुकड़ियां चलती थी जिनको अलग अलग नामों से जाना जाता था। हम आपको ऐसे एक्सक्लूसिव दस्तावेज दिखाएंगे जो बाबा से जुड़े हुए हैं, जो यही कथा स्थल के पास में पाए गए हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, आप देख सकते हैं कि ये एक कार्ड है जिस पर जल सेवा लिखा हुआ है। ये कार्ड पुष्पा का है, पुष्पा, और जो कि मथुरा की रहने वाली है। ये नारायणी सेना की कार्ड है, नारायणी सेना से जुड़ी हुई महिला है। और भी मैं आपको ऐसे कई अहम कार्ड दिखाऊंगा जो बाबा की सेना में रहते थे। ये आप देख सकते हैं, ये कार्ड है जिस पर लिखा हुआ है सुरक्षा सेना। ये बाबा की सुरक्षा सेना में तैनात मीरा देवी का कार्ड है जो कि हाथरस का है। ऐसे कई अहम दस्तावेज न्यूज 18 के हाथ में लगे हैं। न्यूज 18 अपने करोड़ों दर्शकों को दिखा रहा है कि आप देख सकते हैं ऐसे कई कार्ड हैं यहाँ पर, जो ये कार्ड आप देख सकते हैं, ये जल सेवा का कार्ड है, जो जल की सेवा कार्यक्रम में आए जितने भी भक्त थे, जो बाबा के प्रवचन सुनने आते थे, उनके उनकी सेवा में लगे हुए जो भी लोग थे, उनको बाकायदा कार्ड बनाए जाते थे। सेवादार हैं, इनकी जल सेवा है, शीला देवी है, हेमा देवी है, इनमें से तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी इस दुर्घटना में
मौत हो गई है। ऐसे अहम साक्ष्य आप देख सकते हैं, कई ऐसे और साक्ष्य हैं जो यहाँ पर पड़े हुए हैं और न्यूज 18 के हाथ ये सारे एविडेंस लगे हैं। इनमें से तमाम लोगों की इस दर्दनाक दुर्घटना में मौत हो गई है। ऐसे तमाम एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुमित शर्मा, न्यूज 18, हाथरस। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं, नारायण हरि उर्फ भोले बाबा का सिंहासन आपको दिखाएंगे जिस पर बैठकर भोले बाबा खुद को भगवान मानने लगा था। बाबा दावा करता था कि उसमें ईश्वरीय और देवीय शक्तियां हैं। चांदी जड़े इस सिंहासन पर किसी को भी बैठने की इजाजत नहीं थी। तो अब देखिए, लगातार राज खुल रहे हैं, कई अहम बातें, कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। खासतौर पर अब जब देव प्रकाश मधुकर की गिरफ्तारी हो चुकी है तो कई और राज पर से पर्दा उठना लाजमी है। कई बड़ी बातें उसने पूछताछ के दौरान बताई है। वो सिंहासन टीवी पे पहली बार, और आप देखेंगे इस सिंहासन को, इसी सिंहासन पे बैठ के पिछले 10 वर्षों से बाबा भोले जो सूरजपाल है वो यहाँ पे कुर्सी पे बैठ के बाबा भोले बन जाता है, नारायण साकार हरि बन जाता है और यही से लाखों लोगों को प्रवचन देता है। फिलहाल इस समय हम सिकंदरा राव में मौजूद हैं और जब ये प्रवचन चल रहा था, जब उसके बाद भगदड़ मची, उस दौरान भी बाबा इसी सिंहासन पे बैठ के प्रवचन दे रहा था। और आप, मैं कैमरामैन से कहूंगा नरेश जी से, वो आपको दिखाए सिंहासन, चांदी का वर्क किया गया है बाकायदा, इसमें दो शेर बने हुए हैं, जो पाए हैं वो भी चांदी के वर्क के बने हुए हैं। और यह आलीशान सिंहासन जहां जहां बाबा अपने प्रवचन देने सत्संग में जाया करता था वहां पर इसको ले जाया करता था। फिलहाल बताया जा रहा है कि यह बदायूं से आया है और ये जो पीछे आप टेंट भी देख पा रहे हैं ये बदायूं से आया है। तमाम व्यवस्था बदायूं से की गई थी, बदायूं का टेंट आया था, बदायूं से ही ये सिंहासन भी आया था जो जिस पर चांदी का वर्क किया हुआ है। इसके अलावा ये इससे पहले मैनपुरी में भी इस्तेमाल हुआ है। सूरजपाल जब इस सिंहासन पे बैठते हैं तो वो बाबा भोले हो जाते हैं, नारायण साकार हरि हो जाते हैं, लेकिन इस घटना में 121 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है। तो लगातार ये सवाल भी पूछा जा रहा है, व्यवस्थापकों से भी ये सवाल पूछा जा रहा है, साथ ही बाबा से भी ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर इस मौत का जिम्मेदार कौन है। कैमरामैन नरेश के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज 18, हाथरस।